बदलते मौसम के साथ जरूरी है अपनी ब्राइडल मेकअप ट्रेंड को भी बदलना। और क्या होता है मॉनसून का बेस्ट ट्रेंड, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट टर्न्ड एडिटर टू द लीडिंग डिवा टॉक मैगजीन एंड फाउंडर ऑफ आई डिवा सैलून अवार्ड्स नाउ इन इट्स 10th ईयर। आज के इस 3 मिनट टॉक एपिसोड में हम बात करेंगे मॉनसून मेकअप ट्रेंड्स की। जी हाँ, बारिश ने तो अपना कहर सब जगह ढा रखा है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट हमें अपने ट्रेंड्स ऑफ मेकअप और करने के तरीकों को सीजन के साथ बदलना जरूरी है। तो अब क्योंकि मॉनसून का सीजन है तो ह्यूमिडिटी, चिपचिपाहट और पोर्स, ऑयलीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें अपने आम दौर पे क्लाइंट्स में देखने को मिलती हैं। तो शुरू करते हैं हमारे 3 मिनट। आइए आज हम बात करेंगे मॉनसून के हिसाब से अपने मेकअप्स को एडजस्ट करने की और सेट करने की। सबसे पहले बात करेंगे प्रिपेयरिंग द स्किन। CTM तो सभी जानते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, लेकिन इसमें आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट ऑयल बेस्ड नहीं लेना। आपने सारे प्रोडक्ट्स जहां तक हो सके वाटर बेस्ड ही लेने हैं। उसके बाद बात आती है प्राइमर की। प्राइमर आप हमेशा थोड़ी क्वांटिटी में यूज करेंगे क्योंकि ह्यूमिडिटी के चलते ऑयल पोर्स में से निकलता है, तो अगर आप बहुत थिक लेयर ऑफ प्राइमर लगा देते हैं तो पोर्स ब्रीद नहीं कर पाते। याद रहे, प्राइमर भी आपने कम्प्लीटली वाटर बेस्ड ही यूज करना है और बहुत मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट लगानी है। अब बारी आती है बेस की। जी हाँ, आपके पूरे मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेस। मॉनसून के लिए जब आप स्पेशल बेस तैयार करते हैं तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि बेस बिल्कुल पतला हो। थिक बेसेस अवॉइड करें क्योंकि मॉनसून में वो फ्लेकी हो जाते हैं, केकी हो जाते हैं और लाइन्स में ब्लीड कर जाते हैं। इसके अलावा जिन स्किन्स पे सूट करें, क्योंकि ड्राई स्किन्स के लिए तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, पर जिन स्किन्स पे सूट करें उस पे आप पैनकेक का बेस भी ह्यूमिड वेदर और मॉनसून वेदर में जरूर दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, बेस एकदम पतला हो और वेल ब्लेंडेड हो। फिर बात आती है आईज की। सबसे ज्यादा खूबसूरत फीचर पूरे फेस का होता है आंखें। आंखों का आपने खास ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप एक बात का ध्यान दें कि आप जो अंडरबेस लगाएंगे वो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ क्वालिटी होना चाहिए। उसमें आप लिक्विड फाउंडेशन अवॉइड करके या तो क्रीम बेस्ड या पैनस्टिक बेस्ड ऐसी फाउंडेशन लगाएं, या फिर सीधा कंसीलर ही लगा दें, दैट विल ऑल्सो वर्क एज अ अंडरबेस। ये बात तो आप जानते ही हैं कि काजल और मस्कारा दोनों ही कम्प्लीटली वाटरप्रूफ होने चाहिए, लेकिन साथ ही इस बात का खास ध्यान दें कि जो आई शेडोज हैं उसमें आप ग्लिटर कम्प्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि मॉनसून और ह्यूमिडिटी में ग्लिटर जो है वो ब्लीड कर जाता है, क्रीजेस में चला जाता है, या जिस तरीके से आपने उसको अप्लाई किया होता है वो वैसा रहता नहीं है। फिर बात आती है ब्लश की। तो ब्लश कम्प्लीटली आप क्रीम अवॉइड करें, क्रीम ब्लशेस को अवॉइड करें। तो ट्राई एंड यूज पाउडर ब्लशेस और उसमें कलर्स को जितना नेचुरल रख सकें, जितना क्लोज टू नेचुरल, नेचुरल रोज, लाइट पिंक और पीच कलर्स टोन्स में उतना बेहतर होगा, क्योंकि वो उतना ही नेचुरल लगेगा और उतना ही फ्लश लगेगा। फिर बात आती है हाइलाइटर्स की। तो अगर आपको हाइलाइट एक तो अवॉइड करिए, अगर आप कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते और करना है तो हाइलाइट विद अ बेज कलर, स्किन टोन से थोड़ा सा एक शेड ब्राइटर कलर से, हल्के शिमर से हाइलाइट करिए। लिप्स के लिए बताने की जरूरत नहीं है, वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग मैट लिपस्टिक्स। अगर आप एक अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे पूरा मेकअप होने के बाद नहीं लगाते तो पूरा मेकअप आपका कंप्लीट सेट नहीं होगा, और मॉनसून, ह्यूमिडिटी, ऑयल सिक्रीशन, पसीना, इन सब चीजों को वो लड़ नहीं पाएगा। इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे 3 मिनट। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड 3 मिनट टॉक्स का पसंद आया। भूलिएगा नहीं, हमारा डिवा टॉक कवर पेज कॉन्टेस्ट चल रहा है। आप अपनी हाईरेज पिक्चर्स हमें भेजें, हमारे ईमेल आईडीज और सब कुछ हमारे प्रीवियस वीडियो में है। 14 अगस्त वाला जो हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल था उसमें हमने ये बड़ी अनाउंसमेंट की थी। भूलेगा नहीं, हमारे पास बहुत एंट्रीज आ रही है पर हम अभी भी और एंट्रीज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वी वॉन्ट टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। तो कवर पेज या पोर्टफोलियो, 6 एंट्रीज हम चूज करेंगे, 6 विनर्स। तो उम्मीद है आपको याद है और आप अपनी एंट्रीज हमें भेज रहे हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो लाल बटन दबाइए और साथ ही उसका बेल आइकन भी। हमारे रेगुलर ट्यूसडे और फ्राइडे नए एपिसोड्स आते हैं और आपको बहुत सारी नॉलेज लाते हैं, तो इसको मिस नहीं करिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड गेट आर रेगुलर अपडेट्स। इसी के साथ मैं दिव्या शर्मा दैया इजाजत लेती हूँ।
Supermom to a boy and a dog, chocolate lover, makeup artist, turned editor to the leading Diva Talk magazine and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. अपना ख्याल रखिएगा।